सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B25 फोन में आप के पास जो ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन आते हैं इसे कैसे रिमूव करें एंड ऐसे कैसे हम ऑफ करें। तो फाइनली मैं आप लोग को इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ इसका मतलब क्या होता है एंड इसे आप बंद कर पाओगे कि नहीं बंद कर पाओगे, मैं आप लोग को वीडियो को एंड में बताने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन को देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोगों को बताने वाले हैं वीवो के B25 फोन में ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि अगर आप अपने कैमरा को ओपन किया अपने फोन में, जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, मैंने यहां पर कैमरा को ओपन किया एंड मेरे पास ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड इस ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन को अगर हम चाहेंगे अपने फोन में बंद करना तो हम यहां पर बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आप लोग को बताने वाला हूं कुछ ऐसा ऐसा तरीका कि आपका यूज कैसे होता है। आप लोग को कुछ डाउट आ जाता है कि जैसे कि हमारे पास ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन आता है, हमारा यहां पे रिकॉर्डिंग होता है, कंटेंट चुराता है एंड हमारे फोन में कुछ भी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका यूज कैसा होता है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो जैसे कि आपने कैमरा को ओपन कर लिया अपने फोन में एंड ये आप लोग को बताता है कि आपका कैमरा ओपन हो चुका है एंड आपने कैमरा को अपने यूज कर रखा है। दोस्तों यहां पे आपके पास कुछ इस तरीके का कैमरा भी छपा हुआ एंड यहां पे आप क्लिक करते हो एंड यहां पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यूज बाय कैमरा। यहां पे आपको दिख रहा होगा यूज बाय कैमरा लिख रहा हुआ है एंड यहां पे आप आओगे इसके पास अलाउ परमिशन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग को मिल जाता है, इसे अगर आप चाहोगे अपने फोन में बंद करना तो इसे आप ना ही बंद कर पाओगे ना ही आप इसे ऑफ कर पाओगे। तो दोस्तों यहां पे ये मिल जाता है आप लोग को अलाउ का परमिशन देने के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं यहां पे ग्रीन डॉट अगर आपके पास आते हैं तो कैसे आते हैं। तो जैसे कि आपने यहां पे वीडियो ओपन किया एंड अगर आपने यहां पे फोटोस वगैरह क्लिक करने के लिए कैमरा को ओपन कर लिया, अब मैंने फिर से ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूं। अब यहां पे मैंने कैमरा को ओपन करूंगा एंड मेरे फोन में बैकग्राउंड में कहीं भी कैमरा ओपन नहीं है एंड मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रीन डॉट ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर कैमरा को ओपन करेंगे एंड हमारे पास ग्रीन डॉट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों आपका मतलब यहां पर सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि हमारे फोन में कुछ रिकॉर्ड करता है, कॉल रिकॉर्डिंग करता है एंड हमारा कुछ कंटेंट चुराता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप कैमरा को ओपन करते हो तो आपके पास एक ग्रीन डॉट का ऑप्शन आ जाता है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर आपका कैमरा ओपन है, आपने कैमरा को अपने ओपन कर रखा है एंड अपने कैमरा को यूज कर रहे हो। तो ये आप लोग को बताता है ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन, इसका मतलब यही होता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है एंड आपने कॉल लगाया, बात किया तो भी आपके पास ग्रीन डॉट का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों यहां पे मैंने डायलर पे चलता हूं एंड हम यहां पे कॉल लगाते हैं। अब जैसे मैंने कॉल लगा दिया तो अगर हमारे पास कॉल लग चुका तो यहां पे हमारे पास कोई भी ग्रीन डॉट का ऑप्शन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहां पे जैसे कॉल हमारा उठेगा एंड हमारे से बंदा बात करेगा तो हमारे पास ग्रीन डॉट का नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यहां पे हमारे पास माइक छप जाएगा। लेकिन एक सवाल और है दोस्तों, यहां पे अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन किया तो भी आपके पास ग्रीन डॉट का ऑप्शन आ जाता है, यहां पे आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपने इससे परेशान हो जाते हो एंड डिस्टर्ब होते हो तो ऐसा डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं दोस्तों। यहां पे आप लोगों को बताता है ये कि आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल है, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका मतलब यही है दोस्तों जो कि ग्रीन डॉट नोटिफिकेशन का मतलब। ये आप लोगों को समझाता है, ये आप लोगों को बताता है कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं, आप इसे यूज कर सकते हो अपने फोन में और अगर आप चाहते हो इसे बंद करना तो आप इसे बंद नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने इसे आपको फिर से कॉल लगाया एंड मैंने यहां पर रिकॉर्डिंग को ऑन किया एंड हम चलते हैं यहां पे क्लिक करते हैं एंड हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यूज बाय फोन कॉल एंड यूज बाय फोन एंड मिल जाता है मैनेज यहां पे फोन मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पे आप क्लिक करोगे एंड माइक मिल जाएगा, यहां पे आपको परमिशन दिया होगा कि माइक वगैरह का, यहां पर आप ऑडियो का भी परमिशन दे रखे हैं। तो दोस्तों यहां पर यह सब भी आप यूज कर सकते हो जो कि ये आप लोग को देखने को मिल जाता है ग्रीन डॉट के ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों इसमें आप इसे बंद नहीं कर पाओगे एंड इसे अगर आप बंद करना भी चाहोगे तो भी नहीं बंद कर पाओगे। ये दोस्तों गूगल की तरफ से आपको फन टच ओएस 12 एंड फन टच ओएस 13 में देखने को मिल जाते हैं, आप इसे बंद नहीं कर पाओगे। इससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, इसे आप यूज करो एंड आपको ये बताता है आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल है, आपको ये बताता है आपका कैमरा यूज हो रहा है, आपने जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आपको ये बताता रहेगा। तो फाइनली इससे आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज चुपकर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप
तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते किसी इंटरेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाबा दोस्तों।